गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गाइज किनके लिए सॉरी ये गाइज आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली उनके लिए जो अपनी आंखों के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गाइज उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और गाइज आज से पहले मैंने कभी नहीं बोला कि मेरी वीडियो को शेयर करो। सो गाइज जो भी मेरा भाई ये वीडियो को देख रहा है वो सब इस वीडियो को शेयर जरूर करना गाइज, ताकि सबकी हेल्प हो सके। गाइज आज मैं गाइज पंजाब के ऐसे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो कि जलंधर में है और संत शरवणदास चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। गाइज यहाँ पे दूर दूर से लोग अपना टेस्ट और इलाज कराने के लिए आते हैं, आँखों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और गाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है जिनको अदर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ना बोल दिया कि आप लोगों का आँखों का इलाज नहीं हो सकता है। और गाइज ऐसे ऐसे लोगों का इलाज यहाँ पर हुआ है, आँखों की रोशनी वापस आई है। और गाइज ये हॉस्पिटल पठानकोट हाईवे पे अपना डेरा सचखंड बल्ला के गुरुद्वारे के पास में है, जो कि हाईवे से 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर में है। और गाइज ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, डेरा सचखंड बल्ला का गुरुद्वारा है जो कि रविदास जी का गुरुद्वारा है। और इसके पीछे देख सकते हो यहाँ पे हॉस्पिटल है। और गाइज अगर कोई यहाँ बाहर से आता है तो इसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर रहने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज यहाँ पर रहने के लिए भी फ्री है और तीनों टाइम का खाना भी फ्री मिलता है गाइज। और गाइज अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 20 रुपये की पर्ची लगती है। और गाइज ऑपरेशन वगैरह सब फ्री में होते हैं, लेंस वगैरह का चार्ज लगता है जो भी लगता है। और गाइज अगर आप गरीब हो, आप पे नहीं कर सकते हो ना, तो आप सिर्फ डेरे में जाके बाबा जी से साइन करवा लो पर्ची पे, और आपका एक पैसा तक नहीं लगेगा, आपको फ्री में इलाज होगा गाइज। और गाइज बोले तो अगर बोलेंगे ये पंजाब का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है गाइज, चैरिटेबल हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं गाइज, सीनियर डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। और गाइज उन्होंने यूएस से स्टडी की हुई है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और गाइज मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को अंदर का दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाना गाइज शायद अलाउ नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या क्या रहता है और कितना दूर से लोग आते हैं गाइज। तो चलते हैं अंदर, हम लोगों को देखते हैं क्या क्या हम लोग कर पाते हैं कवर। तो चलो चलते हैं, आपको बता दूं ये देखो ये पुल पकड़ के अगर आप इधर से जाते हो, उधर से टर्न मार के आगे गुरुद्वारा है जहाँ पे तीनों टाइम का खाना मिलता है, सवेरे ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर सब मिल जाता है और रहने खाने की व्यवस्था पूरी सब है गाइज। उधर से गुरुद्वारा आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, और इधर से चलो आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। और गाइज आते समय मैंने आपको रोड दिखाया जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से आ सकते हो गाइज, और देख सकते हो कितनी दूर दूर से लोग आते हैं गाइज, यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो गाइज ये देखो आप हॉस्पिटल का गेट, और गाइज इस साइड देखोगे तो यहाँ 24 घंटे हर कोने पे सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। सो अभी चलते हैं अंदर, अंदर जितना कवर कर पाएंगे चलते हैं करते हैं। और गाइज सबसे पहले पार्किंग का यहाँ 10 रुपये लगता है, ये पार्किंग है। सो गाइज कुछ ऐसा है हॉस्पिटल, देख सकते हो। सो गाइज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई बठिंडा से आया है, कोई होशियारपुर से आया है, अलग अलग जगह से आए हैं सब। डॉक्टर ने की क्या? अच्छा अच्छा ओके, अपना नाम दस देखो री। ओके, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पे आई टेस्ट कराने के लिए आते हैं गाइज। तो मैंने अपनी पर्ची भी जमा कर दी है, और मैं भी अभी नंबर आएगा तो मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो ये देख सकते हो बच्चे को, ये भी आई टेस्ट करवाने के लिए आया है गाइज। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है गाइज, तो अभी आज देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं टेस्ट करवाने के लिए, मैं भी आया हूँ। हॉस्पिटल, और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह 8 बजे से पर्ची कटना शुरू हो जाता है, लोग 7 बजे 6 बजे आके लाइन लगा लेते हैं, उस हिसाब से पर्ची कटती है, उस हिसाब से फिर चेकअप किया जाता है। और सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन चेकअप होता है, और मंगलवार गुरुवार और शनिवार के दिन ऑपरेशन होता है। सो जिस किसी को भी ऑपरेशन अपना चेकअप करवाना है तो सोमवार बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन आ सकता है, बाकी दिन ऑपरेशन होते हैं, चेकअप नहीं होते हैं।
और गाइज संडे के दिन बंद रहता है हॉस्पिटल, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो रहने और खाने की व्यवस्था तो हो जाती है डेरे में। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।